आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को एक अनचार्ज्ड पिथ बॉल पेंडुलम के पास लेकर आते हैं तो पिथ बॉल के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सस्पेंडेड पिथ बॉल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक चार्ज्ड ग्लास रॉड इसके पास लेकर आए, ठीक है। ये ग्लास रॉड कौन सी है, हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशनड है, और ये है हमारी पिथ बॉल। अब क्या होगा कि जैसे ही हमें पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेकर आएंगे तो जो ये पिथ बॉल है ये पहले तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, उसके बाद इसको टच करेगी और फिर वापस रिपेल कर लेगी, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे द पिथ बॉल विल बी अट्रैक्टेड towards the rod, touches it and then repels. अब ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ग्लास पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को पिथ बॉल के यहाँ सामने लेकर आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हो रहा है। और प्रोसेस ऑफ इंडक्शन क्या होता है कि जब भी हम कोई पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज चीज़ किसी अनचार्ज पार्टिकल के पास लाते हैं तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस हो जाता है मतलब उससे बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस केस में पिथ बॉल के पास पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर है तो पिथ बॉल में हमारा नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से हमारी जो पिथ बॉल है वो सबसे पहले क्या करेगी, अट्रैक्ट होगी रॉड की तरफ। फिर जैसे ही वो अट्रैक्ट होगी फिर एक पॉइंट आएगा जब वो उसको टच करेगी, ठीक है। टच करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होगा इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वापस, तो ये फिर वापस इससे दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।